हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेडमी का एक न्यू अपडेट है और एक इसमें पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप पैन कार्ड आप कैसे अप्लाई कीजिएगा NSDL फेम ID से, यानी कि आप अगर रेडमी बिजनेस मॉल का अगर ID लेते हैं तो इसमें आपका जो भी ID रहेगा सब आपको फ्री में मिलने वाला है। तो NSDL पेमेंट बैंक का जो NSDL फेम ID होता है वो पैन कार्ड के लिए, जिसमें आपको 30 मिनट में पैन कार्ड मिल जाता है, तो उसके लिए इसमें प्रोसेस बताया गया जो कि आपको पैन कार्ड 30 मिनट में मिल जाएगा। उसके बाद ये कि यहाँ पे आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप रिटेलर ID अगर लेना चाहते हैं रेडमी का, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वहाँ पे रेडमी रिटेलर ID का नाम से, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन वहाँ पे क्लिक करने से वहाँ से आपको रेडमी बिजनेस मॉल ओपन कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद वहाँ से रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद सब्सक्रिप्शन पैकेज अभी फ्री चल रहा है, दिवाली का ऑफर है तो आप लोग ले सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर में भी भारी डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर ID भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलेगा इस बिना टाइम का वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है अगर पुराने यूजर हैं आप लोग, तो वहाँ पे जैसे अपडेट कर लीजिएगा तो ये आपको पैन कार्ड का ऑप्शन जो है ये आपको शो कर देगा। शो करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे ओपन होगा यहाँ पे जाना है नीचे में, जैसे यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस सोल्यूशन सर्विसेज, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टेंट पैन कार्ड NSDL। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इशू पैन कार्ड इंस्टॉल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे डालना है फर्स्ट नाम, मेडल नाम और लास्ट नाम। अगर मेडल नाम नहीं है तो आप फर्स्ट नाम लास्ट नाम दोनों डाल सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसका जीमेल ID यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम डाल लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम सब कुछ फिल कर ले, फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दो तरह का पैन कार्ड बना है यहाँ पे बनता है, तो कौन सा पैन कार्ड आपको चाहिए, फिजिकल ई पैन कार्ड या फिर ई पैन कार्ड ओनली। तो यहाँ पे हमको चाहिए फिजिकल पैन कार्ड, तो ज़्यादातर यही यूज होता है, ज़्यादातर यही चलता है 107 रुपये वाले। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे अप्लाई पैन कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपके वॉलेट में 107 रुपये पैसा रहना चाहिए, वहाँ पे जैसे आपका वॉलेट में, मेरा एक वॉलेट में अभी 106 रुपये है, और यहाँ पे आपको टिक लगा देना, जैसे टिक लगा दीजिएगा पे कर दीजिएगा। यहाँ से जैसे पे हो जाएगा उसके बाद आगे का ऑप्शन आएगा, उसमें आधार नंबर जैसे डालिएगा, वहाँ पे फिंगर लगाना है बोलेगा। जैसे आप फिंगर लगा दीजिएगा तो आपका पैन कार्ड वहाँ पे पूरी तरीके से 2 मिनट या 3 मिनट का प्रोसेस आगे आप बना सकते हैं, वहाँ से पैन कार्ड आसानी से बना सकते हैं। तो चलिएगा जी, ये था प्रोसेस। और रेडमी का अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजी या फिर आप मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके फिर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।